गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फिफ्थ की मैथ की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 179, जिसकी डेट 26 फरवरी 2021 रहेगी। और आज इस बच्चों आज हम इसमें आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शन जो है रियल लाइफ में हम किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो विद्यालय की सजावट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने पर सभी विद्यालयों में बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। रमेश, सुमेधा और सिनल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने विद्यालय को गुब्बारों से सजाया था। उन्होंने विद्यालय में कुल 120 गुब्बारे लगाए थे। कितने गुब्बारे लगाए थे बच्चों? 120 गुब्बारे, जिसमें 1/2 गुलाबी और 1/4 जो है लाल तथा बाकी पीले रंग के थे। तो बच्चों, आपको कुछ बताना है, फ्रैक्शन करना है। क्या आप बता सकते हैं कि विद्यालय में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगाए गए थे? गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे मंगाए गए थे? देखो बच्चों, कुल गुलाबी रंग का हिस्सा कितना था? 1/2, और कुल गुब्बारे हमारे कितने थे? 120। तो बच्चों, हम करेंगे इसको तो हमारे आ जाएंगे, 2 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 हमारे गुलाबी रंग के गुब्बारे थे और लाल रंग का हिस्सा है 1/4। 1/4 को 120 से अगर हम करेंगे तो बच्चों हमारे आ जाएंगे 30। 30 हमारे लाल रंग के गुब्बारे थे। टोटल मिला के हमारे कितने गुब्बारे हो गए थे? 90। ठीक है बच्चों, 120 में से 90 गुब्बारे हमारे गुलाबी रंग के और लाल रंग के थे, जिसमें से गुलाबी रंग के गुब्बारे 60 थे और लाल रंग के गुब्बारे 30 थे। तो बच्चों, पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी? पीले रंग के गुब्बारे बच्चों देखो आप, 120 में से अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे कितने बचेंगे? 30। तो 30 हमारे थे कितने? पीले रंग के गुब्बारे। और वो गुब्बारों का कितना हिस्सा था बच्चों? देखो, अगर हम 30 को 120 से करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, क्योंकि कुल गुब्बारे 120 थे ना, तो 30 एकम 30, और 30 को बच्चों हम अगर इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 12 = 4 हिस्सा, है ना। तो 1/4, तो बच्चों आपका यहाँ रहेगा, देखिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ, गुलाबी रंग के गुब्बारे 60 थे, लाल रंग के गुब्बारे 30 थे, पीले रंग के गुब्बारे भी हमारे 30 ही थे, जो कि कुल उसका था 1/4 हिस्सा, क्योंकि टोटल हमारे गुब्बारे थे 120 और ये 90 हो जाते हैं, तो 90 माइनस करेंगे हम तो हमारे 30 गुब्बारे बचेंगे। तो ये 30 जो बचे हुए गुब्बारे हैं ये पीले गुब्बारे थे, क्योंकि इसमें से हमने गुलाबी रंग के और लाल रंग के गुब्बारे निकाल लिए हैं, बाकी 30 बचे हमारे पीले रंग के गुब्बारे, जो कि कुल गुब्बारों का 1/4 हिस्सा था। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या करना है। आगे बताया गया है कि विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए, अच्छा, और जिस कारण प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे और मंगवाए। तो 120 में से अगर हमारे 20 गुब्बारे फट गए तो इसका मतलब 100 गुब्बारे रह गए, और प्रधानाचार्य ने 50 गुब्बारे और मंगा लिए तो इसका मतलब 150 गुब्बारे हो गए अब हमारे पास, है ना। तो अब विद्यालय में 2/3 तो गुलाबी थे और 1/6 पीले थे, तो बाकी लाल रंग के गुब्बारे अब हमें बताने हैं। चलिए बता देते हैं, 150 गुब्बारों में से 150 गुब्बारे में से बच्चों हम बता देंगे कि अब हमारे पास टोटल 150 गुब्बारे हो गए, क्योंकि 20 गुब्बारे फट गए और 50 गुब्बारे इसमें और ऐड हो गए, तो कुल मिला के अब हमारे पास गुब्बारे हो गए 150, है ना। कितने गुब्बारे हो गए विद्यालय में? 150 गुब्बारे हो गए। अब आपको बताना है कि गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे थे। गुलाबी रंग के गुब्बारों का हिस्सा दिया हुआ है 2/3। चलिए देख लेते हैं, 2/3 × 150, तो बच्चों 3 × 5 = 15 और 0, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। 100 तो बच्चों हमारे पास गुलाबी रंग के गुब्बारे थे और पीले रंग के गुब्बारों का हिस्सा दिया हुआ है 1/6। 1/6 को 150 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। 3 × 2 = 12, बचे 3 और 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, 25। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 गुब्बारे हमारे पास पीले रंग के थे। अब पता लगाइए कि विद्यालय में लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों 125 तो ये हो गए टोटल, है ना, 125 रंग के गुब्बारे गुलाबी और पीले रंग के थे। अब हमें 125 घटा देंगे 150 में से, क्योंकि 150 कुल गुब्बारे हैं और 125 हमारे लाल, गुलाबी और पीले रंग के गुब्बारे हो गए। तो 150 में से अगर हम 125 घटा देंगे तो हमारे पास 25 गुब्बारे बचेंगे। तो इसका मतलब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी? 25 होगी।
ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार आप कैसे कैसे लिखेंगे। कुल गुब्बारे हो गए थे हमारे पास 150 और गुलाबी रंग के गुब्बारे हैं 100, पीले रंग के गुब्बारे हैं 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125, और 125 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचे हमारे पास 25 गुब्बारे। तो इसका मतलब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या 25 थी और वो कुल कितना हिस्सा था, तो 25 को 125 से करेंगे 150 से करेंगे सॉरी, क्योंकि कुल गुब्बारे 150 थे ना, तो 25 एकम 25 और 25 को उससे करेंगे तो 1/6 हिस्सा आ जाएगा। 1/6 हिस्सा था लाल रंग के गुब्बारों का स्कूल में, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो विद्यालय में 100 गुब्बारे थे, 100 में से 20 गुब्बारे फट गए और 50 गुब्बारे और मंगा लिए, तो एक टोटल 150 गुब्बारे हो गए थे, है ना। और 150 गुब्बारों में से गुलाबी रंग का हिस्सा दिया हुआ है 2/3, 2/3 को जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 100 गुब्बारे आ जाएंगे। इसी तरह से पीले रंग के गुब्बारों का हिस्सा दिया हुआ है 1/6, जिसको हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 25 गुब्बारे। इन दोनों को प्लस करने के बाद 125 गुब्बारे हो जाते हैं गुलाबी और पीले रंग के, और 125 को अगर हम माइनस करेंगे तो 25 गुब्बारे हमारे पास बचे हुए लाल ही होंगे वो, है ना। तो 3 रंग के गुब्बारे थे तो लाल रंग के गुब्बारे हमारे पास 25 रहे, जो कि कुल गुब्बारों का 1/6 हिस्सा था, ये हिस्सा आ जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे आपको करना है, मैंने आपको दो बार समझा दिया है, चलिए आप आपको क्या करना है आगे। यदि आपको अपनी कक्षा का कमरा गुब्बारों से सजाने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से रंग के गुब्बारे नीचे मंगवाएंगे, तो आपको वही तालिका में रखना है कि आप कुल कितने गुब्बारे आपको मंगवाएंगे। अगर आप 150 मंगाते हैं, है ना, और कितने रंगों के गुब्बारे आप मंगाना चाहते हैं, 2 रंगों के मंगाना चाहते हैं, 3 के, 4 के, तो ये आपको बताना है। प्रत्येक रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी, है ना, जैसे वो बता देना आप। जैसे कि आपने लाल पीले और हरे गुब्बारे मंगाए तो आप कितने कितने गुब्बारों, किस रंग के कितने कितने गुब्बारे मंगाओगे, और वो हिस्सा आपको निकाल कर बताना है। जैसे मैंने आपको सिखा दिया है, अगर 2/4 है गुना में और 120 है, तो इस तरह से होता है बच्चों। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12 और 0, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इस इधर हो जाती है, 30 × 60, इस तरह से हम हिस्सा निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब आपको गुब्बारों से इस तरह से सजाऊंगा या सजाऊंगी, चित्र में बनाकर आपको बनाना है और अपनी मैडम को सेंड करना है। साथ ही आपको बच्चों अपनी गणित की जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उससे प्रश्न नंबर 139, 140 और 141 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को घर आए अतिथि का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित किया जाए, कि जो हमारे घर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, आप अपने बच्चों में इस तरह की आदत डालिए कि वो उनका आदर सत्कार कर सके। तो साथ ही बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।